गत दिनों शिमला विधानसभा के बाहर युवा कांग्रेस के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में हमीरपुर युवा कांग्रेस ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन किया। हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश सचिव विवेक कुमार की अगुवाई में मुंह पर काली पट्टियां बांधकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाद में पदाधिकारियों ने उपायुक्त डॉक्टर ऋचा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की निष्पक्षता से जांच करवाने की मांग की। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव एवं लोकसभा क्षेत्र प्रभारी विवेक कुमार ने कहा कि उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मामले की रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि शिमला में हुए लाठीचार्ज में बिना वजह से ही पुलिस ने बल का प्रयोग किया था, जिसमें कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए थे। जो विधानसभा का घेराव जब युवा कांग्रेस ने किया 24 अगस्त को, जो हमारे मुद्दे थे बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार और जो वायदे जो है वो केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जो किया, अभी तक की जो कार्य करने का जो उनका तरीका रहा, उसके खिलाफ जो हमने एक शांतिपूर्वक आंदोलन जो कर रहे थे, जब हम विधानसभा की तरफ बढ़े बैरिकेड की तरफ, तो निहत्थे जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर जो है बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध में हम ये मांग करते हैं कि इसकी जो है न्यायिक जांच करवाई जाए। और न्यायिक जांच करवाने के साथ साथ हम चाहते हैं जो बाजी पुलिस वालों की तरफ से हुई है और डंडे जो उन लोगों ने हमारे लड़कों को मारे हैं, हमारे साथियों के जो सिर फोड़े गए हैं, उसके खिलाफ जो है उन पुलिस वालों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए जो है हमने ये ज्ञापन दिया है। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जो पुरुष जो कांस्टेबल थे उन्होंने लड़कियों के ऊपर जो है जो डंडे बरसाए हैं और जो लड़कियों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया है पुरुष पुलिस वालों के होते हुए, उनको भी हम चाहते हैं कि उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आदेश दिए हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि न्यायिक जांच का मतलब ये थोड़ा ना कि वो SDM से करवा दे, ADM से करवा दे, उसका क्या मतलब रह गया है। हम चाहते हैं कि किसी रिटायर्ड जज से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये सांकेतिक है और ब्लॉक स्तर के ऊपर है। केवल हमने ही कार्यकारिणी के सदस्य इसमें बुलाए थे और कोई इसमें नहीं बुलाया गया था। हमीरपुर में प्रस्तावित युवा कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर सुबह से ही गांधी चौक में पुलिस के जवान मुस्तैद रहे और चौक छावनी में तब्दील रहा। बता दें कि पहले युवा कांग्रेस का प्रदर्शन के दौरान CM का पुतला जलाने की खबर थी, लेकिन बाद में युवा कांग्रेस ने केवल मात्र मुंह पर पट्टियां बांधकर DC के माध्यम से ज्ञापन ही भेजा